हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक संडे व्लॉग लेके आई हूँ। तो ये वाला जो संडे है, ये होली के बाद वाला संडे है, जो कि मैं बहुत लेट एडिट कर पाई हूँ और आप सबसे शेयर कर पाई हूँ। तो आज फिर से जो हमारी संडे मॉर्निंग होती है, वो गार्डन से ही शुरुआत होती है। तो बहुत सारे सेप्लिंग्स थे जिनको आज ट्रांसफ़र करना था सॉइल में डायरेक्टली। तो इस बीच देखिए, मेरे बहुत सारे जो पहले के जो जो मैंने सीड्स डाले हुए थे, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये कब लाल होंगे? एक ही टमाटर बचा है घर में कम से कम लाल हो तो खाना शुरू करें। ओहो, कितने सारे लड्डू। मम्मी तोड़। बेटा तुम तोड़ो मत, तुम तोड़ देते हो और फिर ऐसे में तोड़ देते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो पहले के मैंने सीड्स डाले हुए थे डायरेक्टली, वो बहुत अच्छे से निकल गए। जैसे कि बीट रूट हो गया, लाल चौलाई हो गई, भिंडी हो गया, बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। और टमाटर तो आप देख ही रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। आज का हमारा यही टारगेट है, जितने भी सेप्लिंग जो हमारे सेप्लिंग ट्रे में है ना, उनको आज ट्रांसफ़र करेंगे सॉइल में। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बस मैं और रमेश आज इसी काम पे, मतलब अभी तक हमने हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में। तो बहुत सारे ना ऐसे ऐसे प्लांट है जो कि ना बेल वाली होती हैं, मतलब समर्स में ज़्यादातर बेल वाली प्लांट्स होती हैं। तो हम लोग ना वैसे कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बीन्स है, बरबटी है, और फिर जैसे करेला भी होता है, वो बेल के ही होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बेल के हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो पहले के कुछ जो लगाए थे ना, तो हम लोग मैच करके लगा रहे हैं कि हाँ इनके लीव्स मैच हो रहे हैं और ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है। तो उन्हीं उन्हीं सेक्शंस में हम लोग रिस्पेक्टिवली लगाते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जहाँ हम दोनों, वहाँ पे लड्डू तो होना ही होना है। तो बस पूरी फैमिली साथ ही गार्डनिंग कर रही है। तो इस तरीके से जाता है कुछ हमारा संडे मॉर्निंग। तो डन विद गार्डनिंग, और गार्डनिंग करते करते बहुत टाइम लग गया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और लगे हाथ ना कुछ हार्वेस्टिंग कर ली थी। तीन बंद गोभी हो गए थे हार्वेस्ट करने लायक, एक बैंगन मिल गया मुझे, और कुछ मटर और कुछ कैरेट जो कि सैलड में काम आ जाएगा। तो ये जो आपने गार्डनिंग का जो क्लिप देखा, ये कुछ 4 से 5 मिनट का था, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे लगे हमें। और आप यकीन नहीं मानोगे, अभी बज गए हैं 12, और 12 बजे हम लोग, अभी ब्रेकफास्ट तो बन ही रहा है, पता नहीं लंच कब करेंगे। तो खैर संडे को यही होता है हमारा, गार्डन के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो अभी झटपट बनाऊंगी मैं पोहा। पोहा आज बहुत दिनों के बाद मिलते हैं बनने वाला है, तो मैंने बोला आज पोहा ही बनाते हैं। और अभी इतना लेट भी होगा ना, कुछ सूझा ही नहीं कुछ अलग कुछ बनाऊँ करके। फिर मैंने बोला काफ़ी दिन हो ही गए, तो चलो पोहा ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे पीनट थोड़े रोस्ट कर लिए। अक्सर मैं पीनट थोड़े से ज़्यादा रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि रियाट ना मतलब उसको खाली खाली भी ऐसे देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पर कढ़ाई कुछ ज़्यादा जल गई थी, तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि ना मेरे को अचानक से याद आया इतना कुछ हार्वेस्ट करके लेके आई, लेकिन करी पत्ता ही नहीं लेके आई। तो मैंने बोला अभी फटाफट से लेके आई, इतने में तेल गर्म हो गया। तो बस यहाँ पर मैं ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, पोहा बहुत सिंपल तरीके से ही बनता है। तो जैसे कि अभी मैंने करी पत्ता डाला, मस्टर्ड सीड डाले, थोड़े से अनियन फ्राई कर लिए, 2 हरी मिर्च डाल दिए, और यहाँ सोख किया हुआ, बिल्कुल मतलब अभी भी सोख किया हुआ पोहा जो है वो डाल दिया मैंने। और बस हल्दी और जस्ट नमक और कुछ भी नहीं। और मिर्ची भी मैं बहुत हल्का ही डालती हूँ, क्योंकि लड्डू भी खा लेता है पोहा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत सारा नमकीन, और 2 टाइप के नमकीन थे, दोनों को मिक्स करके डाल दिया है, और ये रोस्टेड पीनट्स और साथ में नींबू। तो बस ये हो गया आज का हमारा ब्रेकफास्ट।
तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ले लिया था अचार, और रमेश बिना अचार लेके ही जा रहा है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं थोड़ा यही पास के कॉम्प्लेक्स तक। रमेश को लेना है हेयर कट और थोड़ा बहुत शेव वगैरह कराना है, और मैंने बोला चलो मैं फिर मेरे को भी लेके चलो, मैं भी थोड़ा बहुत अपना थ्रेडिंग अपर लिप्स वगैरह करा लूँगी करके। तो बस हम लोग अभी निकल गए। काफ़ी टाइम से था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बीच में होली भी आ गई थी, तो मैंने बोला आज रमेश जा ही रहा है तो मैं भी साथ चल देती हूँ। हालांकि बहुत लेट हो गया था, मैं सोच रही थी कि भी लंच वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, बट मैंने बोला फिर वही है कि टाइम ही नहीं मिलता, और ऐसे काम संडे में ही होते हैं क्योंकि रमेश फ्री, मतलब रमेश घर में रहता है, तो फिर रमेश के साथ साथ हम भी चल देते हैं। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आप सबको। सो वी आर बैक होम, और आते आते ही ना वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ से एक शॉप से मैंने ये स्लीपर लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा इधर उधर जाने के लिए एक स्लीपर लेनी थी, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई। और एक सिमिलर मैंने ना मीशो पे भी देखी थी, और मैंने ऑर्डर भी किया था, बट पता नहीं क्यों वो डिलीवर नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो उसके पास भी ऐसे स्लीपर है, रियाद के पास, तो वो भी दिखा रहा है, बट वो बहुत गंदी कर चुका है। तो बस आते आते मैं ये एक प्यारी सी स्लीपर लेके आई हूँ, और अब वापस से चलते हैं किचन में। तो अभी लंच बनाऊंगी, लंच बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले जो ये मेरा गुड्डा है ना, मेरा मेरा किचन का साथी, इसके ऊपर थोड़ा सा एक कोट लिख देती हूँ। काफ़ी दिन से एक ही लिखा हुआ था, थोड़ा क्लीन भी कर लूँगी और साथ ही साथ एक कोट भी लिख दूँगी। तो ज़्यादा दिमाग चला नहीं, तो मैंने सिर्फ सिंपली लिख दिया है कि हैप्पी संडे, और एक बड़ा प्यारा सा चमकता सा दमकता सा सन भी बना दिया। ये देखिए, तो अब चलते हैं, करते हैं लंच की तैयारी। तो आज ना मैंने सोचा कि दाल मखनी बना लूँगी। एक्चुअली ये कल सोच के रखा था, लेकिन मैं कल रात को ना सूप करना ही भूल गई। तो सुबह जब मैं क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मेरे को याद आया कि अरे मैंने तो सोक नहीं किया। तो उस टाइम पे मैंने सोक किया, और 2-3 घंटे सोक करने के बाद बॉईल कर दिया था मैंने। और सुबह जब मैंने ये मतलब सोक करने गई, तो देखा राजमा है ही नहीं। तो आज बिना राजमा के दाल मखनी बनने वाली है। तो एक्चुअली पता है क्या हुआ कि ना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया हम लोग डी मार्ट वगैरह गए नहीं, और राशन वगैरह फिल नहीं कराया, तो इस वजह से ना मुझे लग रहा था कि राजमा है कहीं ना कहीं, लेकिन आज ढूंढ रही थी तो मिला ही नहीं। तो ये है कि अब मतलब बहुत जल्दी हमें डी मार्ट जाना पड़ेगा राशन वगैरह लेने के लिए। तो आज जो है, मैं अक्सर जब दाल मखनी बनाती हूँ तो सिर्फ अनियन का यू ओ क्या कहते हैं सिर्फ टमाटर का यूज़ करती हूँ। आज मैंने अनियन भी डाला है और टमाटर भी डाला है, और क्या कहते हैं एक दो हरी मिर्ची भी डाली थी पेस्ट में। और जिस तरीके से मैं मतलब हमेशा बनाती हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने बनाया हुआ है और रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो यहाँ पे मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाती चल रही हूँ। तो यहाँ पे ना आज मेरे को दाल मखनी मतलब राजमा नहीं है, तब भी मैंने दाल मखनी बनाई, क्योंकि ना मलाई मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि वो ना नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो जाती है, तो मैंने बोला उसको कंज्यूम कर लिया जाए। तो बस यहाँ पर मैंने फिर मलाई का यूटिलाइज़ करते हुए दाल मखनी बना दी है, और साथ ही साथ जो मैंने आज हार्वेस्ट करके लेके आई थी बैंगन, तो एक बैंगन से तो कुछ होता नहीं, तो फिर मैंने सोचा इसका ना एक ऐसी फ्राई टाइप बना देती हूँ, बैंगन भाजा टाइप। तो आज मैं ना मतलब हमेशा जैसे बैंगन भाजा बनाती हूँ तो मैं सिर्फ हल्दी और नमक डालती हूँ, लेकिन आज मैं साथ में ना राइस फ्लावर भी डालूंगी। इससे क्या है कि बैंगन भाजा जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें राइस फ्लावर डाल रही हूँ, तो ऊपर से ना ये क्रंची क्रंची सा टेस्ट देगा, एक मतलब कोट सा बन जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगा ये मेरे को। मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा बना रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और डेफिनेटली मैं आगे भी इसको जो है बनाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर अच्छे से कोट कर लिया है मैंने, और अब फटाफट से इसको फ्राई कर दूँगी। और दाल मखनी भी मेरी बन के रेडी है, बस मैं उसमें लहसुन का जो तड़का है, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, तो लहसुन का तड़का डालना है बस, और कुछ भी नहीं, और मेरी दाल मखनी जो है रेडी हो गई है। और साथ में मैं बना लूँगी पराठे। तो लंच बन चुका है हमारा। ओह ओह।
ये होते हैं लास्ट में क्रेडिट लेने वाले। पूरे बता तुम्हें है लंच करते करते कुछ 4:30 बज गए थे और 5 बजे हमें यहाँ क्रिकेट अकेडमी आना था। तो लास्ट जो विज़िट थी हमारी यहाँ पर, तो उस टाइम पर तो कोच ने कह दिया था कि आपका बेटा भले ही छोटा है लेकिन यहाँ एक्टिव बहुत है, तो ये कर लेगा। तो बस आज फर्दर बातों के लिए हमें यहाँ आना था, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मंथली फ़ीस कितनी जाएगी, तो ये सब करके मतलब डन करना था। तो मुबारक हो, रियाद का एडमिशन हो गया है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसका जो ये एक क्रिकेट वाली जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब मैंने फर्स्ट जो चीज़ कही थी रियाद के सर को वो यही था कि सर हमें टाइम पास नहीं कराना, हमें बेटे को कुछ बनाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर बने, तो आप उसी हिसाब से ही ट्रेन करवाइएगा। तो बाकी वो भी खुद कहते हैं कि नहीं, आपका बेटा इतना एक्टिव है, अगर ये करेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा सारी चीज़ें एज़ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है। तो बस यही है कि हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया और रियाद को एकदम एक्टिव देखते हुए, यहाँ पर इतना एंजॉय करते हुए देख के लगता है कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। एंड दिस इज़ द करेक्ट एज कि अभी से शुरू हो जाएगा तो उसकी जो गेम है वो और मैच्योर हो जाएगी टाइम के साथ साथ, है ना? तो रियाद का कल एग्ज़ाम भी है, तो साथ साथ हम लोग चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आगे तो अब इसी तरीके से ही इसके साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कल के एग्ज़ाम के लिए हम उसको प्रिपेयर करा रहे हैं। कल इसका कुछ EVS का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत ना इसको ड्राइंग करा रहे हैं ताकि उसका मूड लाइट हो जाए। पापा, व्हिच कलर इज दिस? पर्पल। नाइस। अच्छा, नाउ टेल अस व्हिच कलर इज दिस? अगेन येलो। दिस इज नॉट येलो, दिस इज ऑरेंज। दिस इज नॉट येलो, दिस इज ऑरेंज। इज ऑरेंज। ये येलो। यस, दिस इज येलो। येलो, ये कौन सा कलर है? ये येलो। येलो, येलो। अलग ही एक्सेंट चलता है इसका। ब्लू। दिस इज ब्लू। बिग ब्लू। यस, ये ब्लू है। ओके, ये बिग है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, फ्रूट्स नेम बताओ। एप्पल। एप्पल। बनाना। बनाना। आगे बैग। गुआवा। गुआवा। और ऑरेंज। यस। और बनाना। हाँ। और चॉबी। यस। एक्सप्रेशन देखो। तो कल के एग्ज़ाम में ना इसका यही आना है कि कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। तो कलर्स नेम तो इतनी बार हमने रिपीट करा दिया कि बच्चा ना एकदम बोर ही हो गया होगा। तो आज थोड़ा नए तरीके से हमने जेम्स दिखा दिखा के उसको कलर वो किया, नहीं तो वो बिल्कुल बोलता ही नहीं। बिल्कुल सच में इतना रिपीट कर दिया ना हमने, तो चलते फिरते उठते बैठते, तो आज थोड़ा नए तरीके से कराया है।
होपफुली कल अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए, इसका पहला एग्ज़ाम है ज़िंदगी का। तो चलिए आज का व्लॉग फिर मैं यही एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।